बात करेंगे स्मार्ट सिटी इन्वेस्टर्स समिट में झारखंड भर के निवेशकों ने हिस्सा लिया। कुछ निवेशकों ने जमीन की कीमत को कम करने का आग्रह किया तो ज्यादातर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए इसमें निवेश करने की इच्छा जाहिर की। झारखंड भर के निवेशकों ने लिया हिस्सा, ज्यादातर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तारीफ की, ज्यादातर ने शर्तों और कीमतों को बताया सही। कई निवेशकों ने निवेश की जताई इच्छा, कुछ निवेशकों ने जमीन की कीमत को कम करने का किया आग्रह। मेट्रो शहरों में इन्वेस्टर्स समिट करने के बाद पहला बड़ा इन्वेस्टर्स समिट रांची में आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के कई बड़े निवेशकों ने हिस्सा लिया। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े हुए कुछ निवेशकों ने जमीन की कीमत कम करने का आग्रह किया। जमीन की लागत जितनी है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत, ये रेशो कुछ तरीके से नहीं जचता है। मेरे ख्याल में जमीन का कंपोनेंट 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो हॉस्पिटल की कॉस्ट है। और यहाँ पर अगर 70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाली जमीन लेगा तो 700 करोड़ का अस्पताल कोई लेके आने वाला भी नहीं है। तो हम अगर बिल्कुल वायबल तरीके से चलते हैं, अगर ठीक तरीके से चलते हैं, तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ पर 60-70 करोड़ की लागत में बड़े आराम से 10 साल के लिए सस्टेन कर सकता है इस सिटी के लिए। लेकिन जमीन की कीमत उसमें 6-7 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो या तो हम प्लॉट को थोड़ा छोटा करें या उसकी कीमत कम करें, ऐसा मेरा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवेशकों को प्राथमिकता देने का नियम बनाया है, जिससे स्थानीय निवेशक बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय है, इसलिए जमीन की कीमत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जो रोड्स, इतनी चौड़ी रोड्स आएंगी, उसका एक कॉस्ट आता है। लेकिन सरकार ने जो आज रेट्स रखा है, मेरे को नहीं लगता कि ये रेट्स, मतलब 2 लाख रुपया डिसमिल का रेट है इंस्टीट्यूशन के ऊपर में, तो उतना मैं आज रांची टाउन के अंदर में आपको कहीं, ये तो हार्ट ऑफ द टाउन में आ रहा है, मिलेगा ही नहीं दूर दूर तक। और टाइटल फ्री लैंड रहेगा, कहीं पर कोई झमेला नहीं है, ना पोजीशन का झमेला, ना कोई चीज़ का झमेला, तो वो ना नक्शा ना नक्शा पास के लिए जाना, तो मैंने सारी फैसिलिटी दे रही है, तो नॉट ए बैड जी। मतलब एकदम जैसे कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को फोन से ऑनलाइन से, ये बिल्कुल पारदर्शी है। और बहुत ही, मतलब जो भी L&T वगैरह ने या स्मार्ट सिटी ने रोड, नाली, बिजली जो भी चीज बना रहे हैं, एक वर्ल्ड क्लास जो बनना चाहिए वो बना है। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने निवेशकों की हर राय को बेहद महत्वपूर्ण बताया और कहा कि फिलहाल रेट यही रहेंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे समय बीतेगा सरकार इस पर लचीला रुख जरूर अपनाएगी। लोगों ने 3 डिफरेंट कंसल्टेंट्स को लगाकर मार्केट सर्वे करके डिसाइड किया है, और प्लॉट्स चूंकि बड़े बड़े हैं इसलिए लोगों को रेट उस सेंस में ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज रेट, जो बेस रेट है, हम लोग के अनुसार से काफ़ी रिजनेबल है। और इनफैक्ट फर्स्ट राउंड ऑफ ऑक्शन में करीब 9 प्लॉट हम लोग ऑक्शन कर पाए, दैट शोज कि अभी तो रेट्स रिजनेबल है। हॉस्पिटल्स के रेट को लेकर लोगों में कुछ कन्फ्यूज़न है, मेडिकल कॉलेज का अलग से एक रेट है जबकि इंस्टीट्यूशनल का अलग रेट है, तो वो हम लोग जब नेक्स्ट राउंड में जब हम लोग चेंज करेंगे लैंड यूज पैटर्न वगैरह, तो इन सभी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। स्मार्ट सिटी रांची एचिस एरिया में बेहद हरे भरे माहौल में विकसित हो रही है। दिसंबर तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सड़कें, नालियां, वाटर सप्लाई और बिजली व्यवस्था बेहद आधुनिक तरीके के साथ कंप्लीट कर दी जाएगी, और निवेशक जल्द होने वाली दूसरी नीलामी में हिस्सा लेकर काम काज शुरू कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात, स्मार्ट सिटी में जमीन के नक्शे पास कराने के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़े। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।